नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़ की सायकालीन समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुख्य खबरों के साथ मैं टीना सोनी। आईएस टीना डाबी के नाम पर साइबर ठगी करने का प्रयास। गोवंश में आई महाबीमारी में गोमाता को बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। हर स्तर पर उपचार के पुख्ता प्रबंधन। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन। बीमार हिरण का इलाज उपचार कर सौंपा वन विभाग को पशु प्रेमी सुमेर सिंह भाटी। गायों को लंपी बीमारी से बचाने बजरंग दल आया आगे। घर घर जाकर गोवंश पर किया दवाई का छिड़काव। सीमा जन कल्याण समिति मोनगढ़ तहसील की बैठक। जिला सह मंत्री कृष्ण सिंह से सेवा के आतिथ्य में एवं तहसील अध्यक्ष मलकीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। नेहरू युवा केंद्र जैसलमेर के सहयोग से अपायत संस्था एवं राजीव गांधी यूथ क्लब चांदन के युवाओं द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा के तहत डोर टू डोर जाकर लोगों को किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। आईएस टीना डाबी के नाम पर साइबर ठगी करने का प्रयास। आईएस टीना डाबी को जब जालसाजों द्वारा उनकी फोटो को व्हाट्सएप डीपी पर लगाकर ठगी करने के प्रयास की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के फेक नंबर से भ्रमित होकर जालसाजों के जाल में नहीं फंसे और किसी भी तरह के अनजान मैसेज से सावधान रहे, क्योंकि उनका ऑफिशियल नंबर ही उनका एकमात्र नंबर है। कुछ दिनों पूर्व साइबर ठगों द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आईपीएस एएनएम दिनेश के फोटो लगाकर ठगने का प्रयास किया था। जालसाजों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे किसी भी वीआईपी बड़े राजनेता, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के फोटो लगाकर लोगों को मैसेज कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर ये जालसाज पुलिस को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गोवंश में आई महामारी में गोमाता को बचाने सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता एवं हर स्तर पर उपचार के पुख्ता प्रबंध। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन। टीम भावना से कार्य कर गोमाता को बचाने में सभी की सहभागिता जरूरी। राज्य गो सेवा आयोग के अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि गोवंश में आई महामारी के समय गोवंश को बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय गोवंश को बचाने के लिए बहुत ही संवेदनशील है एवं उन्होंने इस महामारी में गोवंश को बचाने के लिए हर स्तर पर उपचार से पुख्ता प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि गोवंश को बचाने के लिए हमें दवाइयों के साथ प्राचीन पद्धति के उपचार को भी काम में लेना है, जिससे हम गोवंश को बचा सकें। इसके लिए उन्होंने पशुपालकों को जागरूक कर बीमार पशुओं का फिटकरी के पानी से नहाने एवं नीम के पत्तों के पानी से नहाने एवं गुड़ का पानी पिलाने की सलाह दी है। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि लंपी स्किन डिजीज बीमारी के उपचार के लिए जिले में 38 से अधिक पशु चिकित्सा टीमों का गठन कर संक्रमित पशुओं का सर्वे एवं उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही विकास अधिकारियों का भी सहयोग के लिए निर्देशित किया गया है एवं वे भी प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर पशु चिकित्सा टीमों के माध्यम से उपचार करवा रहे हैं। बीमार हिरण का इलाज उपचार कर सौंपा वन विभाग को पशु प्रेमी सुमेर सिंह भाटी। हिरण बीमार की सूचना ग्रामीण देवीलाल सुथार ने पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह भाटी सावता को तुरंत मौके पर दी। सवाई सिंह सावता वहां पहुंचकर विभाग को सूचित किया और हिरण को सुरक्षित स्थान पर रखा और वहां छोड़िया सरपंच जसवंत और पशु पालन विभाग की टीम जो गायों का उपचार करने के लिए निकले हैं वहां पहुंचे, कुछ राहत देने का उपचार किया और वन विभाग की टीम को सुधाराम को सुपुत्र किया। बीमारी के लक्षणों का पता जैसलमेर वरिष्ठ चिकित्सा ही बता पाएंगे। ये लगातार यहाँ सातवां मादा हिरण है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सुमेर सिंह बता रहे हैं कि हिरण भी गायों की तरह खत्म हो जाएंगे। गायों को लंपी बीमारी से बचाने बजरंग दल आया आगे। घर घर जाकर गोवंश पर किया दवाई का छिड़काव। लाठी पशु बाहुल्य लाठी क्षेत्र में गायों में फैली लंपी डिजीज से गोवंश को बचाने के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डोर संभाल ली। लाठी कस्बे में बजरंग दल गो रक्षा प्रमुख विक्रम दर्जी व सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश देवड़ा ने सोमवार सुबह अभियान चलाकर कस्बे में घर घर जाकर लंपी डिजीज से बचाने हेतु गोवंश पर दवाई का छिड़काव किया। बजरंग दल गो रक्षा प्रमुख विक्रम दर्जी ने बताया कि कस्बे में पिछले कुछ महीनों से फैली लंपी स्किन नामक बीमारी से उपचार के अभाव अब तक दर्जनों गोवंश की मौत हो चुकी है, साथ ही सैकड़ों गोवंश अभी भी इस बीमारी की चपेट में हैं। उन्होंने बताया कि इस बीमारी की चपेट में आई अन्य गायों को बचाने के लिए गोवंश बचाओ अभियान शुरू किया गया है। सीमा जन कल्याण समिति मोनगढ़ तहसील की बैठक। जिला सह मंत्री कृष्ण सिंह सेवा के आतिथ्य में एक तहसील अध्यक्ष मलकीत सिंह के अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में आगामी रक्षाबंधन पर्व पर सीमा चौकियों पर जाकर जवानों के रक्षा सूत्र बांधने के नियमित वार्षिक कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया एवं आगामी कार्यक्रम 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका पर कार्यक्रम का आयोजन करना तथा सदस्यता सम्मेलन का आयोजन अगस्त के अंतिम सप्ताह तहसील स्तर पर किया गया। बैठक में तहसील उपाध्यक्ष उमेश सिंह, संपर्क प्रमुख भवनलाल जी सुथार, तहसील सहमंत्री रेवंत सेन आदि उपस्थित रहे। नेहरू युवा केंद्र जैसलमेर के सहयोग से अपनयात संस्था एवं राजीव गांधी यूथ क्लब चांदन के युवाओं द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगे के तहत डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक किया। चांदन नेहरू युवा केंद्र जैसलमेर के सहयोग से अपनयात संस्था एवं राजीव गांधी यूथ क्लब चांदन के युवाओं द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगे के तहत डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को संकलित करने, पौधारोपण करने, सेनानियों की कहानी को संकलित करने व पौधारोपण करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्लब सचिव सुरेश कुमार ने बताया कि युवाओं के घर घर तिरंगा लगाने को लेकर खास उत्साह है। युवा अलग अलग टीम बनाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नुआ नेहरू युवा केंद्र के युवाओं द्वारा चांदन, धायसर, भेरवा, सोडाकोर, लाठी के दर्जनों गाँवों ढाणियों में दूर दराज जाकर तिरंगा अभियान और पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को संकलित कर रहे हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़ से। नमस्कार।